वेलकम टू आवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए एबल इन्फो को और घंटी दबा दीजिए ताकि जब भी हम आए आपकी भी घंटी बज जाए। Hello guys and besties and welcome to Able Info and this is your Able guy जो कह रहा है hi and thank you so much for 100 plus subscribers and before we start this video एक request, corona का lockdown खत्म हो चुका है but still wash your hands, do not touch your face, do not contact with sick people and if you're sick please stay at home air. एक और important चीज मूविंग ऑन, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूं जो शायद आपको नहीं पता होंगे और आपने नहीं सुने होंगे। अगर आपने सुने भी होंगे तो दोबारा सुनो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो फैक्ट नंबर वन, लाइटर एंड मैच बॉक्स। माचिस, माचिस होते तो दुनिया को आग लगा देता। लाइटर और मैच बॉक्स हमारे कितने काम आते हैं। लाइटर और मैच बॉक्स से हम अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, किसी की जलाते हैं, किसी का घर जलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग तो दोनों को इस्तेमाल करके कुछ चीज जलाते हैं। नाम नहीं लेने का, सॉरी। चलो लेट्स मूविंग ऑन। क्या आपको पता है लाइटर का इन्वेंशन मैच बॉक्स से पहले हो गया था। जी हाँ, मैच बॉक्स का इन्वेंशन हुआ था 1826 में और लाइटर का हुआ था 1823 में। मुझे तो नहीं पता था, चलो ढूंढ लिया और आपको भी बता दिया। फैक्ट नंबर टू, कॉफ़ी, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी। कॉफ़ी हमें हमेशा चाहिए, सुबह कॉफ़ी, प्यार वाली कॉफ़ी, नफरत वाली कॉफ़ी, नेस्ट वाली कॉफ़ी, फिल्टर वाली कॉफ़ी, हमारे जेब को खाली करने वाली कॉफ़ी। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी, हाँ दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी का नाम है कॉफी लुएक। तो जैसे इन अंकल ने कहा, यही कॉफ़ी है जो दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है और ये कॉफ़ी मिलती है इंडोनेशिया में। और आपको पता है कॉफ़ी किस चीज़ से बनती है? बिल्ली की टट्टी से। जी हाँ, बिल्ली की टट्टी से। तो ये कॉफ़ी बनती है इंडोनेशिया में और ये बिल्ली है जिसको कॉफ़ी खिलाई जाती है, फिर उसे टट्टी करवाई जाती है, उसकी टट्टी को सुखाई जाती है, उस टट्टी को सुखा कर उसको पीस कर बेचा जाता है और कहा जाता है दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है। और इस कॉफ़ी की कीमत होती है एक पाउंड की $100 से लेके $550 तक। मैं तो नहीं पी सकता ना, 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 ना। सर, ये तो टट्टी है। फैक्ट नंबर थ्री, जी हाँ, ये फैक्ट है गॉडफादर मूवी से। और इस मूवी का क्या कहने, इस मूवी के अंदर अनरियलिस्टिक पावरफुल और बहुत ही ऑसम एक्टिंग की थी हर किसी एक्टर ने। आई रेकमेंड दिस मूवी टू यू। अगर आपने मूवी नहीं देखी और जिसको ये मूवी पसंद नहीं आती उसके लिए सिर्फ एक ही चीज, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, तो भाव की बात मानो और मूवी देखता रहो। तो फैक्ट ये है इस मूवी का कि इस मूवी में एक सीन है जहाँ पर एक बंदा सोकर उठता है, उसके हाथ में खून होता है और उसके सामने होता है उसके बेड पर एक कटा हुआ घोड़े का सर। जी हाँ, वो जो घोड़े का सर और जो खून था वो असली घोड़े का सर और वो उसी का खून था। जब आर्टिस्ट रिहर्सल्स करते थे तो वो नकली घोड़े के सर के साथ में रिहर्सल करते थे, लेकिन जब फाइनल टेक के टाइम पर एक्चुअली में एक घोड़े को काट कर उसका सर और उसका खून इस सीन में इस्तेमाल किया गया था। जब हमारे प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस की शादी हो रही थी तब पेटा वाले तो बड़ा चिल्ला रहे थे, ये घोड़ा इस्तेमाल किया, गधा इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल किया, लेकिन खुद क्या क्या करते हैं। हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स। Now I'm going to make you an offer which you cannot refuse. Please, अगर आपके वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को दबा दो यार। तो ये फैक्ट है गंजेड़ियों के भगवान और बाल की दुकान बॉब मार्ले के बारे में। जी हाँ, बॉब भैया बहुत ही अच्छा गाते थे, जितना अच्छा गाते थे उतना ही अच्छा बजाते थे। बॉब भैया के 9 बच्चे थे और 9 बच्चों में से 3 बच्चे एक ही महीने में पैदा हुए थे। जी, वो ट्रिपलेट नहीं थे, 3 अलग अलग माओं से एक महीने में पैदा हुए थे। बॉब भैया खेल गया सारा, हमारा क्या होगा, हमको तो मिलती ही नहीं यार।
तो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये सबको शेयर कीजिए। तो ये है आपका एबल गाय जो कह रहा है बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।